A very good morning to all of you. Welcome once again. I'm Dr. Mehreen, going to conduct this session for class 10th. I'm taking your history portion again. Now, today we are going to discuss about print culture and the modern world, which is primarily your chapter number 5. I'm taking this chapter as this is very important as examination point of view. But before discussing this chapter in detail, let's have a quick glance of the learning outcomes or various parameters which is related to this topic. Likewise, this chapter revolves around the concepts like how the printing culture has become important in history, or when did printing literature begin to circulate, or what is its relevance in history, and why printing is important in modern world, etc. Okay, अगर हम देखते हैं इन लर्निंग आउटकम्स को, तो हम हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग का ये मतलब हुआ कि क्या ये टेक्नोलॉजी, ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो कि प्रिंटिंग से रिलेटेड है, वो कब फॉर्मेशन या एग्जिस्टेंस में आती है और उसकी हिस्ट्री में क्या रेलेवेंस है. ये चैप्टर जो है पूरा इसी पे बेस्ड है, और जहाँ हमने प्रिंट कल्चर को पढ़ना है, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ प्रिंट कल्चर इन वेरियस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स एंड वाइस वर्सा. और क्योंकि हम हिस्ट्री में देखते हैं कि जैसे हम मॉडर्न एंशियंट टू मिडिवल टू मॉडर्न बहुत सारे कल्चर्स और सिविलाइजेशंस आते हैं, और हर एक कल्चर हर एक सिविलाइजेशन के कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं. लेकिन हम इस चैप्टर में प्राइमरली देखेंगे क्या इन कल्चर्स पे इन प्रिंटिंग के आने से कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है. लेकिन द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रिंट कल्चर जो फॉर्मेशन में आती है, वो आती है आपकी मॉडर्न पीरियड ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट इज ड्यूरिंग द 5th century AD. ऑल्सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डिवेलपमेंट ऑफ प्रिंट कल्चर एंड इट्स बिगिनिंग वेरी फ्रॉम द ईस्ट एशिया टू यूरोप देन इन इंडिया. हमने एक सॉर्ट ऑफ जर्नी को स्टडी करना है कि वेदर प्रिंट कल्चर की डेवलपमेंट कहाँ पे हुई, ये कैसे चला, और इसने किस तरह से ईस्ट एशिया को कवर करते करते ये यूरोप में पहुँचता है, देन यूरोप के बाद ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरा कैप्चर कर लेता है. नाउ बिगिन विद द हाउ द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स केम इनटू existence, or you can say this era marked the beginning of the print culture in the modern world. The earliest kind of print technology was developed earliest in China, than in Japan, than in Korea. Actually, there was a sort of system of handwriting was evolved in 5th century AD. ये प्रिंट टेक्नोलॉजी या प्रिंट कल्चर जो है, सबसे पहले मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस में आता है इन 5th century AD में. कहाँ से शुरू हुआ ये? चाइना से. और कब हुआ? 594 AD में. लेकिन यहाँ पे बुक्स जो थी वो किस तरह से छपने लगी, जैसे आजकल हम जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी हम देखते हैं प्रिंटिंग के लिए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस में जो है हमारी बुक्स जो हैं, हमारे जर्नल्स, हमारे न्यूज़पेपर्स, बहुत कुछ प्रिंट होता है. लेकिन तब वहाँ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे अभी इवॉल्व हो रहा था, अभी वो कल्चर जो है वो डिवेल्प हो रहा था, वो एक स्टार्टिंग इनिशियल फेज पे था. वहाँ सबसे पहले क्या होता है, बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर. पेपर पे जो है जो इंक होती थी उसको एक तरह से एक वुडन ब्लॉक के ऊपर जो लिटरेचर है उसको बना दिया जाता था. फिर उस ब्लॉक के ऊपर इंक लगाई जाती थी और उसको जो है पेपर के ऊपर रब किया जाता था. बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर एंड वर आल्सो इन्वेंटेड अगेंस्ट देयर वाज द इंक्ड सरफेस ऑफ द वुडन ब्लॉक्स. देयर वाज ब्लॉक सिस्टम, वहाँ पे वुडन ब्लॉक्स बनाए जाते थे जिन पर पूरा का पूरा लिटरेचर को बनाया जाता था.
फिर उसमें इंक लगाई जाती थी, फिर उन इंक्स को उस पेपर के ऊपर रब किया जाता था। इस तरह से चाइना में जो था, जो प्रिंट कल्चर जो था वो इवॉल्व हो रहा था, प्रिंटिंग जो है फॉर्मेशन में आ रही थी। चलते चलते जब हम जाते हैं बाय 17th century, एन अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना विच हैज़ गिवन ए पुश टू द प्रिंटिंग कल्चर एज वेल। चलते चलते हम जब बहुत सारी डिवेलपमेंट्स होने लगी, प्रिंटिंग बुक्स, हर तरह की बुक्स जो हैं बनने लगी, चाहे वो रिलीजियस लिटरेचर की हो, चाहे वो स्कॉलर्स के लिए हो, चाहे वो ऑफिशियल यूज़ के लिए हो, इवन मर्चेंट्स के लिए भी, ट्रेड में भी प्रिंटिंग कल्चर ने बहुत इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया। प्रिंटिंग नॉट ओनली यूज बाय स्कॉलर्स बट एज एन ऑफिशियल यूज फॉर द मर्चेंट्स एज वेल। मोर ओवर, अगर हम चाइना की ही बात करें तो दिस कल्चर, दिस प्रिंट कल्चर अल्टीमेटली रिजल्टेड इन टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू रीडिंग कल्चर एज वेल। क्योंकि जिस जिस तरह से प्रिंटिंग जो है वो आगे प्रोग्रेस हो रही थी, उसकी बहुत सारी डेवलपमेंट फेजेस सामने आ रही थी, एक तरह का, एक सोसाइटी में इस तरह का एटमॉस्फेयर बन गया था। क्योंकि जो लोग इसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लोग लिटरेचर को पसंद करते थे उनके लिए वो वाली बुक्स अवेलेबल थी, जिनको सोशल इशूज़ पर पढ़ना है, जो सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए सोसाइटी से रिलेटेड बुक्स थी, जो ड्रामास में इंटरेस्टेड हैं वो ड्रामास को पढ़ना पसंद करते थे, और जिनको रिलीजियस लिटरेचर में इंटरेस्ट है वो रिलीजियस लिटरेचर को पढ़ते थे। इस तरह से एक सॉर्ट ऑफ न्यू रीडिंग कल्चर हैज़ इवॉल्व्ड इन चाइना ड्यूरिंग 19th century एज वेल। ऑल्सो मोर मॉडर्नाइज टेक्निक्स फॉर प्रिंटिंग स्टार्टेड टू इवॉल्व ड्यूरिंग 19th century। सो दिस इज ऑल अबाउट, मोर ओवर, द शिंघाई बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंटिंग कल्चर over there in China. So this is how the printing culture has evolved, or you can say various phases of development in printing, which is started from China. Now this culture now we can study how this print culture or this new technology of printing came into Japan. अब जापान में जो था एकदम से तो चाइना से उठकर नहीं आया, लेकिन क्या हो रहा था कि बहुत सारी बुद्धिस्ट मिशनरीज जो कि चाइना से आती थी, कहाँ पर, जापान में, ड्यूरिंग 7th century AD। बुद्धिस्ट मिशनरीज कौन होते हैं? बुद्धिस्ट मॉन्क्स का बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो कि रिलीजन बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए यहाँ से वहाँ ट्रेवल करता है। और ऑब्वियसली जब कोई भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा, वो अपने साथ कुछ अच्छी, कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ नेगेटिव बातें लेकर चलेगा। लेकिन बुद्धिस्ट मिशनरीज़ की सबसे पॉजिटिव आस्पेक्ट ये था, उन्होंने 7th century AD में जब वो चाइना से जापान की तरफ जाते थे अपने रिलीजन का, बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए, बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, लोगों को लॉर्ड बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में बताने के लिए, साथ ही साथ उनके साथ वो कल्चर जो था, जो एक जो कि चाइना में उस टाइम पे लिटिल बिट इवॉल्व हो चुका था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चाइना में जो है 5th century में इसका हमें प्रिंटिंग के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। और जब जब हम जापान की बात करते हैं तो हमें फर्स्ट अर्लीस्ट एविडेंस जो मिलते हैं हमें 7th century में मिलते हैं। तो क्या हो रहा था, जब ये बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थी वहाँ से आ रही थी चाइना से जापान की तरफ, तो अपने साथ साथ उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को भी लाया। बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान, प्राइमरली इन 768 एंड 770 AD। मोर ओवर, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इज बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। जो सबसे पुराना हमें जापानीज प्रिंटेड हमें कुछ भी लिटरेचर में मिलता है, जो हमें पुराना जो है जापानीज लिटरेचर हमें कब मिलती है, उसका सबसे पहला हमें कब मिलता है, 868 AD में। अगर आप चाहें तो ये डेट्स जो हैं आप नोट भी कर सकते हैं या आपकी टेक्स्ट बुक पे दी भी हुई हैं। और जो दिस इज़ बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र जो है, इसकी आपको पिक दी गई है पेज 106 के ऊपर,
आप उसमें देख भी सकते हैं किस तरह से जो फर्स्ट प्रिंटिंग जो बुक थी वो फॉर्मेशन में आती है। उसके बाद हमें बहुत सारे हमें एविडेंसेस मिलते हैं जापान में, जहाँ पे ट्रेडर्स जो है अब इसका फ़ायदा उठाने लगे प्रिंट कल्चर का। क्यों? अब वहाँ पे पेपर मनी जो है वो यूज़ होने लगी। पेपर के ऊपर एक करेंसी सिस्टम सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज के लिए आ गया, तो ट्रेड करने में मर्चेंट्स को बहुत हेल्प हुआ। इस प्रिंटिंग आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, प्रिंटिंग कल्चर के आने से कोई एक एक एस्पेक्ट या एक चीज़ को बेनिफिट नहीं मिला। इवन सोसाइटी, इकोनमी, रिलीजन, हर एस्पेक्ट को जो है एक बहुत बड़ा एक जर्क मिला। कैसे? अगर हम यहाँ पर ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं कि ट्रेडर्स या मर्चेंट्स को जो है बेनिफिट हुआ, पहले जो एक्सचेंज सिस्टम इज समथिंग एल्स, दे कैन एक्सचेंज इन सील्स एंड सेलिंग्स एंड ऑल दैट। अब क्या हुआ, पेपर के आने से या प्रिंटिंग कल्चर के आने से जापान के नहीं, चाइना, जापान, यूरोप, इंडिया, जहाँ जहाँ पर भी ये प्रिंटिंग कल्चर जो है पहुँचा, वहाँ पर क्या होता है, पेपर करेंसी जो है यूज़ होना शुरू हो गई। ट्रेड करने में, बिजनेस करने में, इकोनॉमी को बढ़ाने में जो है प्रिंटिंग पेपर ने या प्रिंट मनी ने, पेपर मनी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट एस्पेक्ट की मैं अगर बात करूँ सोसाइटी में, अब सोसाइटी में किसी भी कंट्री की सोसाइटी हो, चाहे उस टाइम की जो है चाइना की सोसाइटी थी, जापान की थी, यूरोप की थी, इंडिया की थी, जहाँ जहाँ पर प्रिंट कल्चर जो है वो इवॉल्व हो रहा था अर्ली एरा ऑफ मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, वहाँ पर सोसाइटी का किस तरह से जो विवरण है, सोसाइटी को किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, इस जब लिटरेचर जो है, जब सोसाइटी से रिलेटेड बुक्स फॉर्मेशन में आई, तो लोगों को पता चला कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं सोसाइटी में जो हैं इवॉल्व हो रही हैं, चेंज हो रही हैं या नहीं आ रही हैं, कुछ भी। नेक्स्ट, अगर अदर एस्पेक्ट्स की बात करें, चाहे हम बात करें कि इन्होंने एकेडमिक्स में, लिटरेचर ने एकेडमिक्स में या स्कॉलर्स को किस तरह से बेनिफिट दिया, वो एक अलग डायमेंशन है। मोरोवर, जो रिलीजियस लिटरेचर था, चाहे वो चाइना का था, चाहे वो जापान का था, अभी हम चाइना, जापान, यूरोप इनकी बात करेंगे, जो भी था, अब ये है प्रिंट फॉर्म में जो है लोगों को मिलने लगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि जब हम जापान 7th century में जो है प्रिंट कल्चर जापान में इवॉल्व हुआ, फिर वहाँ पे फर्स्ट प्रिंटिंग बुक हमें 868 AD में मिलती है, इस तरह से जो है डेवलपमेंट इन प्रिंटिंग एज वेल एज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रिंटिंग जो है वो बढ़ती गई जापान में। मोर ओवर, लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर packed with hand printed materials related to every aspect. अब जापान, अगर उस दौर का जापान आप देखें, तो आपको अब बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलने लगी, जहाँ पर बुक्स ही बुक्स थी, जहाँ पर हर तरह की बुक्स जो है वो आपको मिलती थी, जो जिस एस्पेक्ट को पढ़ना चाहता था, जो जिसमें इंटरेस्टेड था, वेदर वो लिटरेचर था, वेदर वो सोसाइटी थी, वेदर वो ड्रामा था, वेदर वो रिलीजन था, कुछ भी था, हर तरह का लिटरेचर अब जो है जापान में भी हमें मिलने लगा। ओके स्टूडेंट्स, हम आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इन नेक्स्ट सेशन हम उसमें स्टडी करेंगे कि हाउ दिस प्रिंट कल्चर केम इन यूरोप एंड हाउ इट डिवेल्प्ड इन यूरोप। Moreover, what is the contribution of Gutenberg as he has developed first printing press in 1430 over there. Also, hum aur study karenge ke how this technology or the print culture reached India and how it assisted the growth of nationalism in India. Thank you very much. Wish you luck.